शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर बाराहाट श्रमिक केंद्र में बांका जिला इंटक अध्यक्ष विनय कापरी के नेतृत्व में कामगार मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए मास्क, साबुन और टोपी का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला इंटक अध्यक्ष विनय कापरी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना महामारी आतंक मचाया हुआ है, जिससे सभी तबके के लोग ग्रसित हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार लोग लॉकडाउन का सही से पालन करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि बिहार के गरीब व कामगार मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर प्रदेशों में जाते हैं, जो कि अभी लॉकडाउन के चलते अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। जल्द से जल्द उनको लाने की व्यवस्था केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार करे, ताकि वे अपना जीवन अपने परिवार एवं बच्चों के साथ बिता सके। इस मौके पर इंटक अध्यक्ष विनय कापरी के अलावे जिला इंटक महामंत्री त्रिभुवन पंडित, प्रखंड श्रम प्रतिनिधि शंभू सिंह, बाराहाट प्रखंड मजदूर संगठन संयोजक बालेश्वर ठाकुर, प्रखंड महामंत्री मजदूर यूनियन मुकेश शर्मा, प्रखंड उपाध्यक्ष प्रमोद मंडल, चंदेश्वरी मंडल बाबूलाल रजक, शशिभूषण कुमार, अशोक ठाकुर, सिकंदर यादव, सविता मुखर्जी, पूरन दरवे, सीताराम शाह उपस्थित थे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन और निर्माण मजदूर, राजमिस्त्री, निर्माण मजदूर जो भी है, सबको हमने मजदूर दिवस के कितने लोगों के बीच सर पर वितरण किया गया, वही मास्क और साबुन का वितरण किया गया और उनको समझाया गया, सुझाया गया कि मास्क पहन के और टोपी भी वितरण किया गया, टोपी भी पहन के मैंने कि निर्माण भवन निर्माण में काम करें। ये मजदूर को हम लोगों ने जिला इंटक के माध्यम से किया है, जो कि आज सबको मजदूर को सोशल डिस्टेंस को भी रखते हुए सोशल डिस्टेंस करते हुए मैंने कि मास्क और साबुन का मैंने वितरण किया। शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला और मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश हुई और आकाशीय बिजली भी चमकती रही। इस बारिश के कारण जहां क्षेत्र की बिजली गुल हो गई, वहीं मौसम सुहाना हो गया। वहीं बच्चे बारिश में भींगते नजर आए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशानुसार बांका नगर राजद कार्यालय में नगर अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर उपवास रखा गया। उपवास 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चला। इस मौके पर युवा राजद जिला उपाध्यक्ष रोहित शर्मा, राजद नेत्री अमिता पम्मी, मुकेश मंडल, विश्वजीत कुमार, महेंद्र दास, पप्पू यादव, सत्यम सिंह मौजूद रहे। वहीं नगर राजद अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बाहर फंसे मजदूरों एवं छात्र छात्राओं को बिहार वापस लाए जाने की मांग की। लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी के आह्वान पर एक दिन का सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम उन मजदूरों, मजलूमों, गरीबों, शोषितों, छात्रों के लिए जो बिहार से बाहर अन्य किसी पर। बांका समर्थता के आदेशों उपरांत कुल 1905 लीटर बोतल जेसीबी की मदद से विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस थाना के 35 कांडों में बरामद 600 लीटर देसी और लगभग 850 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। साथ ही उत्पाद पक्ष के 19 कांडों में 228 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर विनिष्टीकरण दंडाधिकारी, अंचलाधिकारी बांका और उत्पाद पदाधिकारी की उपस्थिति में विनिष्टीकरण की वीडियोग्राफी कराई गयी। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी ओर प्रकृति का कहर, आखिरकार इंसान बचे भी तो कैसे। बौसी थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांव में शुक्रवार को आसमानी कहर के द्वारा 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। दूसरी तरफ दुधारू भैंस की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तुर्काकोल गांव में मुन्ना सिंह का 12 वर्षीय पुत्र बजरंगी सिंह अपने घर के ठीक सामने बन रहे मकान के पास खड़ा था। अचानक तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाज से वहां बने अर्धनिर्मित शौचालय में छिप गया। लेकिन आसमानी कहर जहां वज्रपात बनकर टूट पड़ी और शौचालय की दीवार को तोड़ते हुए उस बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया।
परिजन जब तक कुछ समझ पाते बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बौंसी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव निवासी उमेश यादव के साथ घटी। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति की दुधारू भैंस रानी बिहार में चर रही थी, अचानक तेज बारिश के साथ हुई वज्रपात से भैंस की मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद चरवाहा विद्यालय में छिपकर अपनी जान बचा पाया, अन्यथा कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि बच्चे का पोस्टमार्टम बांका में कराया जाएगा, जबकि अंचलाधिकारी गोपीनाथ मंडल ने बताया कि आपदा के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा।